अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है? तो भैया आज हम जा रहे हैं लाहौर बच्चा पार्टी के साथ। बच्चा पार्टी के साथ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इनका अब्बू जान आ रहा है बाहर से। तो ये है मिस्टर साद, इसका ये भी जा रहा है क्योंकि इसका मामू आ रहा है, और बाकी बच्चे वो भी जा रहे हैं। वो बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। तो अभी गाड़ी आ गई थी और हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और बच्चे जो हैं वो पीछे बैठ गए हैं। तो हम बस निकल गए हैं, तकरीबन 2 घंटे का सफ़र है लाहौर का, और हम जो है अभी मोटरवे पर चढ़ गए हैं, और मोटरवे से आगे तो 1 घंटे का सफ़र है। तो बस अभी लाहौर पहुंच जाना है, और बच्चे जो है बहुत एक्साइटेड हैं अपने अबू के लिए। और भाई जो है वो कतर रहते हैं, कतर गए हुए थे अपने महकमे की तरफ से, आपको शायद एक व्लॉग में बताया था। तो ये बच्चे हैं और मैं हूँ, और हम जा रहे हैं, और आइए हमारे साथ इस व्लॉग को इंजॉय कीजिए। हाँ जी, तो हम लाहौर पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पर, और 8 बजे की भाई की फ़्लाइट थी, और अभी हम 8 बजे से कुछ पहले पहुंच गए हैं। तो भाई से भी रब्ता हुआ, उन्होंने कहा कि हम उतर गए हैं तो एयरपोर्ट पर। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और आपको एयरपोर्ट की सैर भी करवाते हैं, आपको अंदर से भी एयरपोर्ट दिखाते हैं। तो चलिए हमारे साथ रहिए। सबसे पहले तो हम फूलों की दुकान के अंदर गए जो कि एयरपोर्ट के अंदर ही थी, और पीछे से हम ले नहीं सके थे तो बाइक के लिए यहाँ से फूल लेते पहले से। तो फूलों का गुलदस्ता ले लिया हमने, और अभी इधर खड़े हैं वेट कर रहे हैं बाइक का। ये बैनुल अक़वामी जो परवाज़ें हैं वो इधर आती हैं, उनके जो पैसेंजर हैं, तो ये उनके अजीज़ वकारब जो खड़े हैं उनको रिसीव करने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए। तो हम भी मेरे भाई का इधर इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो भाई से अभी बात हुई, उन्होंने कहा फ़्लाइट से तो उतर गए हैं तो आगे भी जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि लाइन में लगना होता है और सामान वगैरह की चेकिंग होती है। तो भाई ने कहा बंदा है इधर उनका तलक वाला, तो आपको पता है पाकिस्तान है भैया, प्रोटोकॉल मांगता है प्रोटोकॉल, तो आगे भी जल्दी आ जाएंगे। तो उतनी देर तक मैंने सोचा आपको एयरपोर्ट दिखाते हैं। तो लुक एट दिस भाई, ये एयरपोर्ट की बिल्डिंग है, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर। तो काफ़ी प्यारा बना हुआ है, ये ऊपर भी पार्किंग सिस्टम है, आपको इधर से कैब भी मिल सकती है, जो पैसेंजर्स अकेले आते हैं उनको इधर से ही कैब मिल सकती है। तो ये यार मुझे एयरपोर्ट तो बहुत मज़े का लगा, बहुत प्यारा एयरपोर्ट बिल्डिंग बनी हुई इसकी, तो मैं तो इधर पहली दफ़ा आया हूँ। तो अभी चलते हैं फिर आगे अंदर, देखते हैं क्या सीन है। तो ये इधर ऊपर भी काफ़ी रश है, ऊपर भी आ रही आवाम और नीचे भी आवाम आ रही है। तो ये एयरपोर्ट बहुत मज़े का लगा, बहुत जो है काफ़ी अच्छी और प्यारी बिल्डिंग है। तो अभी फिर नीचे चलते हैं, कहीं भाई ना आ जाए। तो वही हुआ। तो ये जनाब भाईजान आ चुके हैं, और मैं ऊपर आपको एयरपोर्ट दिखा रहा था। तो ये भाई का सामान है, और भाई अभी बच्चों से मिल रहे हैं, हमने भी मिल लिया है, लेकिन वो क्या कहते हैं आपको नहीं दिखा सके। तो हम जो है अभी दोबारा जो है वो भाई को मिलते हैं फ़र्ज़ी तौर पर, तो वो आपको दिखाते हैं। पहले भाई बच्चों से मिल ले, बच्चों से प्यार कर ले, तो उसके बाद हम भाई को फ़र्ज़ी मिलते हैं। तो जिस तरह से वो मुसाफिर आते हैं और उनको जो उनके अजीज़ व अक़ारिब जब आगे से मिलते हैं, तो वो हमने जो सीन कैप्चर नहीं किया, तो हम दोबारा अपने तौर पर जो है एक्टिंग कर लेते हैं, दोबारा से मिलते हैं भाई को। तो चलिए फिर आ जाइए, दोबारा मिलनी करते हैं। चले तो ये सीन हमारा कंप्लीट हुआ। तो वो एक्साइटमेंट जो पहले मिलने में थी वो इस बार थोड़ी कम हो गई थी। भाई अभी फिर से बच्चों से प्यार कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों से जितना भी प्यार कर लें वो कम ही होता है। और वैसे भी भाई जो है वो 8 माह बाद पाकिस्तान वापस आए हैं, कतर में होते हैं भाई जान। तो अभी जो है बच्चों से प्यार चल रहा है भाई का, बच्चे भी अपने अबू के बगैर उदास हो गए थे, और उनका अबू तो डेफिनेटली उदास था उनके बगैर। तो अभी बच्चों का और उनके अबू का प्यार चल रहा है, तो अभी यहाँ पर तो ये सीन चल रहा है। Oh, 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 oh
तो ये देखें जनाब, बच्चे जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं, जो सामान वाली बाइक की रेडी थी बच्चे उस पर चूटे ले रहे हैं। तो बच्चों की तो ईद होगी आज, बच्चे अब जो है फुल इंजॉय कर रहे हैं। ये देखें जनाब, शादी जो है वो सबसे आगे बैठा है और जगह के हिसाब से, उसके बाद दुआ और हरीम बैठी हैं और इशाल और तरीम उनको चूटे दे रही हैं पीछे से, रेडी को तक्का लगा रही हैं। तो आज बच्चों की तो मज़े हो गए, ईद हो गई बच्चों की। तो रेडी के चूटों के बाद बच्चों को इधर एक और चीज़ मज़े की मिल गई है एंजॉय करने के लिए, और वो है इलेक्ट्रिक स्टेयर्स। तो बच्चों ने इधर भी खूब एंजॉय किया, बच्चों ने कभी ऊपर जा रहे हैं और कभी नीचे आ रहे हैं, तो ये भी बच्चों के लिए तो नया एक्सपीरियंस था, तो बच्चों ने खूब एंजॉय किया। चलें जी, तो अभी हमारे जाने का टाइम हो गया है, तो रेडी मैंने संभाल ली है अब खुद और बच्चों को भी ऊपर बिठा लिया है, तो अभी हम वापस जाने लगे हैं। हाँ जी, तो हम इधर पार्किंग में पहुंच चुके हैं, इधर बाहर गाड़ी खड़ी की थी, तो अभी गाड़ी वाले को फ़ोन किया है, वो आ रहा है, तो अभी हम वेट कर रहे हैं फिर उसका। तो एक मिस्टेक की हमने कि गाड़ी उधर ही ले जानी थी, हमें तो पता नहीं था, तो अगर गाड़ी उधर साथ ले जाते तो उधर भी पार्किंग की सहूलत थी, जितनी देर हमने रुकना था उतनी देर तो उधर भी पार्किंग कर सकते थे, तो उधर से ही भाई आते और उधर से ही बैठते और हम निकल जाते, तो वो बीच वाला सफ़र जो है ये जो रास्ता ये सफ़र बच जाता, तो इतना तो सफ़र तो नहीं है लेकिन फिर भी ये बच जाना था। तो इधर आगे से एक बाइक सामान रखने वाला आ गया, जिसने हमारा सामान जो हमसे ज़बरदस्ती समझ लिया पकड़ लिया, उसने कहा मैं आपका सामान अंदर रखता हूँ गाड़ी में, तो हमारा सामान रखा गाड़ी में, हालांकि एक दो बैग थे, तो पीछे से मैं खुद ही रेडी पर लेकर आया था, तो उसने सिर्फ रेडी से गाड़ी के अंदर सामान रखा और उसके बाद पैसों की डिमांड करने लगा। तो अगर आप इन लोगों को पैसे नहीं देना चाहते तो आप अपना सामान खुद रखें, ऐसे ये लोग भी दिहाड़ी लगाते हैं बेचारे, गरीब लोग मजदूर लोग होते हैं। तो अभी फिर हम वापस गाड़ी में बैठ चुके हैं और वापसी के लिए हम निकल रहे हैं, और हमारा तकरीबन लाहौर से 2-2.5 घंटे का सफ़र है, क्योंकि शहर से मोटरवे पर चढ़ने के लिए 1 घंटा लगता है, उसके बाद आगे 1 घंटा लगता है मोटरवे पर। तो अभी जो है बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपने अबू से मिलने के बाद, हरीम और तुआ जो है वो अपने अबू के पास बैठे हैं, अपने अबू से मिलने के बाद अब बहुत खुश हैं। तो अभी फिर वापस चल जा रहे हैं हम, और यहाँ पर करते हैं व्लॉग का एंड। होप आपको व्लॉग आज का अच्छा लगा होगा, तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।